Hey guys, what's up? I am back with another new video. आज हम फिर से खेलने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड वन डे मैच एंड डे होने वाला है प्रेडिक्शन मैच। तो इस वाले वीडियो के साथ रियल वाला मैच का कोई भी लेना देना है नहीं एंड हमारा प्रेडिक्शन मैच पे पहला वन डे इंडिया जीत चुका है एंड रियलिटी पे तो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। तो देखते हैं सेकेंड ओडीआई क्या होता है। दोनों कप्तान यहाँ पर आ चुका है टॉस करने के लिए। इंडिया ने यहाँ पर हिट कहाँ है तो क्या गिरता है वही देखने के बाद है। टॉस तो इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पर गिरा है हेड। इंडिया टॉस जीत चुका है मतलब मैं पहले बॉलिंग लूंगा क्योंकि मैं वही कंफर्टेबल हूँ पहले गेंदबाजी करने में। पहला गेंद जसप्रीत बुमराह की तरफ से स्ट्राइक पे है। डेविड वार्नर यहाँ पर ग्लैंस शॉट खेला। उधर फील्डर तो है, सिर्फ एक रन मिलेगा नहीं, दो रन यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। रन आउट का मौका, अरे यार केएल राहुल तू क्या कर दिया, रन आउट तो कर दियो। लास्ट गेंद शोवर का एंड यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा के मारा है डेविड वार्नर ने, यहाँ पर चार रन। दूसरा ओवर का लास्ट गेंद स्ट्राइक पे एरन फिंच, फुल लेंथ डिलीवरी था, एरन फिंच यहाँ पर कवर के ऊपर से उठा के मारा एंड पहला चौका एरन फिंच के बल्ले से आता हुआ। तीसरा ओवर का पहला गेंद स्ट्राइक पे डेविड वार्नर, यहाँ पर यॉर्कर करने की कोशिश किया था जसप्रीत बुमराह ने लेकिन डेविड वार्नर ने सीधे बल्ले से स्ट्रेट शॉट खेला, चौका मिलता हुआ यहाँ पर डेविड वार्नर को। दूसरा गेंद यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की तरफ से बढ़िया पुल शॉट गैप पे है, पीछे फील्डर तो जरूर है लेकिन पकड़ नहीं पाएगा तो यहाँ पर इजी चार रन मिलता हुआ एरन फिंच को, बहुत ही खतरनाक पुल शॉट। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहा है, 30 रन कर दिया लेकिन एक भी विकेट नहीं गिरा एंड यहाँ पर और एक चार बेहतरीन चार रन मार दिया एरन फिंच ने, बहुत ही प्यारा शॉट यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक बैटिंग। चौथी गेंद मोहम्मद शमी के तरफ से लेग साइड पे था, घुमा दिया एंड यहाँ पर जंप लेट आया है मतलब ये तो नो बॉल होने वाला है एंड नो बॉल पे चार रन मिला है, अंपायर भी कंफर्म किया नो बॉल। तो पिछले वाला गेंद नो बॉल था तो अभी फ्री हिट है। फ्री हिट वाला गेंद यहाँ पर उठा के शॉट मारा है एरन फिंच ने फ्री हिट वाला गेंद पे, चार रन मिलता हुआ फ्री हिट पे भी एरन फिंच को। ऑस्ट्रेलिया का अभी भी एक विकेट नहीं गिरा है एंड यहाँ पर बहुत ही शानदार ग्राउंडेड शॉट डेविड वार्नर के बल्ले से आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद था एंड बहुत ही बढ़िया शॉट खेल दिया यहाँ पर डेविड वार्नर। 19 गेंद पे 20 रन पे बैटिंग कर रहा है। तीसरा गेंद इस ओवर का उठा के शॉट मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वन बाउंस टू बाउंस चार रन, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग हो रहा है यहाँ पर डेविड वार्नर की तरफ से एंड एरन फिंच भी बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। अभी भी एक भी विकेट नहीं गवाया ऑस्ट्रेलिया। दूसरा गेंद स्ट्राइक पे डेविड वार्नर, गुड लेंथ पे गेंद तो था लेकिन पॉइंट के ऊपर से जो उठा के शॉट मारा है ना डेविड वार्नर, क्या ही बताऊं मैं, बहुत ही प्यारा शॉट एंड चार रन मिलता हुआ डेविड वार्नर को। लास्ट गेंद इस ओवर का एंड यहाँ पर यॉर्कर कराने की कोशिश किया था लेकिन आउटसाइड लगा एंड चार रन के लिए बाउंड्री के बाहर चला गया। तीसरा गेंद नदीप सैनी की तरफ से एरन फिंच, 30 गेंद पे 30 रन पे बैटिंग कर रहा था, मैं था इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और एक चार रन मार दिया, अभी तो 34 रन पे पहुंच चुका है एरन फिंच। लास्ट गेंद शोवर का एंड एरन फिंच ने लास्ट गेंद पे उठा के शॉट मारा है, ये पावर प्ले का आखिरी ओवर था तो ऑब्वियसली भाई फायदा तो लेगा ही एरन फिंच। तीसरा गेंद मोहम्मद शमी के तरफ से बहुत ही बाहर गेंद था एंड पूरा फायदा उठाया एरन फिंच ने चार रन मार के। यहाँ पर इंडिया को विकेट लेना पड़ेगा एंड चहल आ चुका है। चहल का दूसरा गेंद बहुत ही शानदार अपरकट शॉट खेला डेविड वार्नर ने एंड यहाँ पर चार मार दिया एंड इसी के साथ डेविड वार्नर 43 रन पे भी पहुंच चुका है, बहुत ही शानदार शॉट था। पहला गेंद नदीप सैनी के तरफ से यहाँ पर यॉर्कर कराने की कोशिश किया था लेकिन फुल टॉस पे तब्दील हो गया एंड डेविड वार्नर ने यहाँ पर चौका मार दिया। तो इसी के साथ 48 रन पे बैटिंग कर रहा है डेविड वार्नर, भाई क्या खेल रहा है डेविड वार्नर यहाँ पर। दूसरा गेंद इस ओवर का एंड यहाँ पर बहुत ही आराम से शॉट खेला लेकिन गैप पे शॉट है, फील्डर भाग रहा है, पकड़ तो इजीली लेगा एंड इसी के साथ दो रन भी यहाँ पर डेविड वार्नर को मिल चुका है, मतलब डेविड वार्नर का 50 रन कंप्लीट होता हुआ इस मैच का पहला 50 रन, डेविड वार्नर का इस सीरीज का दूसरा 50 यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। चौथी गेंद यहाँ पर डेविड वार्नर है स्ट्राइक पे, बढ़िया शॉट खेला लेग साइड की दिशा में एंड यहाँ पर आराम से चार रन मिलेगा डेविड वार्नर को। रविंद्र जडेजा का तीसरा गेंद स्ट्राइक पे एरन फिंच, 49 पे बैटिंग कर रहा था इसीलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ पर स्विप शॉट खेल दिया एंड इसी के साथ एक रन भी मिल चुका है फिंच को। तो इसी के साथ फिंच का भी 50 रन कंप्लीट होता हुआ, भाई ऑस्ट्रेलिया का अभी भी एक भी विकेट नहीं गिरा, दोनों बैट्समैन 50 रन बना लिया यहाँ पर। दूसरा गेंद स्ट्राइक पे है फिंच, 50 रन पे बैटिंग कर रहा है फिंच एंड यहाँ पर मार दिया चौका, तो 54 पे पहुंच चुका है फिंच, क्या शॉट लगाया, बहुत ही बढ़िया शॉट। चौथी गेंद यहाँ पर एंड चौथी गेंद पे ओ भाई
गेंद को अपने पास आने दिया, थोड़ा सा होल्ड किया एंड उसके बाद फिंच ने उठा दिया। बहुत ही प्यारा शॉट, बहुत ही प्यारा टाइमिंग एंड बहुत ही प्यारा चार रन। डेविड वार्नर 67 रन पे बैटिंग कर रहा है एंड चौथी गेंद यहाँ पर गुगली था चहल का, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डेविड वार्नर होल्ड किया, वेट किया गुगली को, परा उसके बाद शॉट खेल दिया विद द स्पिन शॉट एंड बहुत बढ़िया शॉट। लास्ट गेंद था इस ओवर का, फिंच यहाँ पर 61 रन पे बैटिंग कर रहा है। क्या शॉट खेला यहाँ पर फिंच ने, गेंद को अपने पास आने दिया एंड फील्डर के ऊपर से उठा दिया। चौथी गेंद चहल का 65 पे फिंच बैटिंग कर रहा है, यहाँ पर फुल लेंथ डिलीवरी था, बहुत ही बढ़िया फ्लिक शॉट, गैप पे शॉट है, फील्डर भाग तो रहा है लेकिन पकड़ नहीं पाएगा तो चार रन यहाँ पर। चौथी गेंद रविंद्र जादेजा के तरफ से बढ़िया शॉट यहाँ पर, गुड लेंथ पे गेंद था, बहुत ही बाहर था, पूरा फायदा उठाया यहाँ पर एरॉन फिंच ने, बहुत ही बढ़िया शॉट एंड इन दोनों के बीच में 150 रन का पार्टनरशिप भी हो चुका है। अभी भी एक भी विकेट नहीं गिरा यहाँ पर। पांचवी गेंद चहल के तरफ से स्ट्राइक पे है वार्नर, यहाँ पर वार्नर विद द स्पिन शॉट खेल रहा है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहा है यहाँ पर डेविड वार्नर एंड एरॉन फिंच, क्योंकि अभी भी एक भी विकेट नहीं गिरा तो इंडियन बॉलर का हालात बहुत ही खराब हो चुका है। पहला गेंद चहल के तरफ से, यहाँ पर क्या हो गया भाई, कैमरामैन कहाँ दिखा रहा है भाई, फील्ड पे क्यों दिखा रहा है, एंड विकेट गिर गया भाई, सेलिब्रेट कर रहा है मतलब विकेट गिर गया। डेविड वार्नर आउट हो चुका है तो क्या है, कैसे आउट हुआ वो मैं देखना चाहूंगा क्योंकि कैमरामैन तो देखने नहीं दिया है। तो यहाँ पर गेंदबाजी कर रहा था चहल, शॉट खेलने गया था वो भाई, केएल राहुल ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ लिया। डेविड वार्नर यहाँ पर 86 रन बना के आउट हो गया। दूसरा गेंद स्ट्राइक पे स्टीव स्मिथ, पहला गेंद खेलता हुआ स्टीव स्मिथ एंड पहली गेंद पे यहाँ पर स्टीव स्मिथ ने उठा के मारा वन बाउंस के बाद चार रन मिलता हुआ स्टीव स्मिथ को। भाई ये कौन सा स्मिथ है भाई जो पहली गेंद पे यहाँ पर हिट मार रहा है। चौथी गेंद स्ट्राइक पे स्मिथ, अबे स्मिथ को क्या हो गया है यहाँ पर, स्मिथ पागल हो गया क्या भाई, तीन गेंद पे 8 रन बना दिया स्मिथ ने। स्मिथ ऐसे तेजी से कभी खेलता है क्या, स्मिथ तो थोड़ा सा डिफेंस करता है, सेट होता है उसके बाद मारता है। चौथी गेंद इस ओवर का स्ट्राइक पे स्मिथ, अबे स्मिथ को कोई रोको जा रहा, स्मिथ यहाँ पर पागल हो चुका है, क्या शॉट ले रहा है, पूरा मतलब सेट होके आया है लग रहा है, हर एक गेंद पे उठा दे रहा है, बहुत ही बढ़िया शॉट। पहला गेंद रविंद्र जडेजा की तरफ से स्ट्राइक पे है रन फिंच, यहाँ पर बहुत ही शानदार शॉट खेला रन फिंच ने, थोड़ा सा वेट किया, होल्ड किया, गेंद को अपने पास आने दिया, उसके बाद यहाँ पर शॉट खेला एरॉन फिंच। चौथी गेंद जडेजा के तरफ से, यहाँ पर कैच करने का मौका तो है एंड यहाँ पर कैच कर लिया केएल राहुल ने, तो इसी के साथ एरॉन फिंच का विकेट गिरता हुआ, वो भी रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर विकेट लिया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी था एंड यहाँ पर इनसाइड टच लगा, उसके बाद पैड पे लगाया एंड यहाँ पर केएल राहुल ने गलती नहीं किया, एरॉन फिंच यहाँ पर 81 रन बना के आउट हो गया। चौथी गेंद चहल का स्ट्राइक पे मार के स्टॉइनिश यहाँ पर उठा के शॉट मारा है, कैच हवा पे है, गेंद तो कैच करने का मौका तो है जरूर, तो यहाँ पर कैच नहीं कर पाया क्योंकि बाउंड्री के बाहर चला गया, 6 रन मिलता हुआ यहाँ पर मार्कस स्टॉइनिश को। लास्ट गेंद थी शोवर का एंड यहाँ पर बहुत ही शानदार पुल शॉट स्टीव स्मिथ के बल्ले से एंड 4 रन मिलता हुआ, इसी के साथ 33 रन पे पहुंच चुका है स्मिथ। पहला गेंद स्ट्राइक पे स्मिथ बोल्ड, यहाँ पर स्मिथ हो चुका है बोल्ड, चहल ने यहाँ पर लेग स्पिन गेंद किया था, स्मिथ उठाने की कोशिश किया था, इनसाइड एज लगा एंड बोल्ड हो गया स्मिथ यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक डिलीवरी एंड स्मिथ का विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। स्टीव स्मिथ यहाँ पर 35 गेंद पे 35 रन बना के आउट हो चुका है। पांचवी गेंद स्ट्राइक पे स्टॉइनिश, यहाँ पर स्पिन तो हुआ था लेकिन स्टॉइनिश को क्या फर्क पड़ता है, स्टॉइनिश ने होल्ड किया, स्पिन को देखा, उसके बाद शॉट खेला यहाँ पर। दूसरा गेंद स्ट्राइक पे लाबुशा ने एंड यहाँ पर लेग स्पिन गेंद था, लाबुशा ने भी स्टॉइनिश के जैसा होल्ड करके स्पिन देखकर विद द स्पिन शॉट खेल रहा है। लास्ट गेंद यहाँ पर चहल के तरफ से एंड लास्ट गेंद पे बढ़िया शॉट कैप पे है, 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर चला गया, लाबुशा ने बहुत बढ़िया बैट्समैन है। पहला गेंद जसप्रीत बुमराह की तरफ से स्ट्राइक पे है, लाबुशा ने यहाँ पर शॉट खेलने गया था कवर ड्राइव लेकिन आउटसाइड लगा एंड कैप पे चला गया, 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर, लाबुशा ने का लाक यहाँ पर बहुत ही शॉट दिया। चौथी गेंद स्ट्राइक पे मार के स्टॉइनिश ने पुल शॉट लगाया, पीछे फील्डर मौजूद नहीं है जिस दिशा में शॉट खेला तो ऑब्वियसली यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ स्टॉइनिश को। पहला गेंद साइनी की तरफ से स्ट्राइक पे स्टॉइनिश, यहाँ पर स्टॉइनिश ने उठा के शॉट मारा है, नीचे है किंग कोहली विराट कोहली, तो कैच करने का मौका यहाँ पर कर लेना भाई, कैच कर लिया यहाँ पर विराट कोहली,
तो इसी के साथ मार्कस टॉइनिस का विकेट गिरता हुआ एंड नदीप सैनी ने यहां पर पहला विकेट ले चुका है। मार्कस टॉइनिस यहां पर 43 रन बना के आउट हो गया। दूसरा गेंद स्ट्राइक पे मैक्सवेल एंड दूसरा गेंद पे यहां पर फ्लिक शॉट खेला मैक्सवेल ने, गैप पे शॉट खेल दिया मैक्सवेल, तो पहली गेंद पे यहां पर मैक्सवेल को मिल चुका है 4 रन। चौथी गेंद सैनी की तरफ से स्ट्राइक पे मैक्सवेल, दो गेंद पे 4 रन पे बैटिंग कर रहा है, यहां पर उठा के शॉट मारा है मैक्सवेल, नीचे फील्डर आ रहा है 14 नंबर जर्सी मतलब मयंक अग्रवाल, यहां पर कैच करने का मौका एंड कैच कर दिया फील्डर ने, तो बहुत ही बढ़िया यहां पर मैक्सवेल का विकेट गिरता हुआ, बहुत ही खतरनाक गेंदबाज मैक्सवेल यहां पर 4 रन बना के आउट हो गया। चौथी गेंद स्ट्राइक पे कैरी 11 रन पे बैटिंग कर रहा है, यहां पर पैड पे जाके लगा है LBW का एपिल एंड अंपायर ने यहां पर उंगली खड़ा कर दिया। भाई नदीप सैनी क्या ही गेंदबाजी किया, यहां पर 3 विकेट ले चुका है। यहाँ पर थर्ड अंपायर तक अपील करना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता है क्लियर LBW है एंड यहाँ पर थर्ड अंपायर तक गया भी नहीं, तो एलेक्स कैरी यहाँ पर 11 रन बना के आउट हो गया। लास्ट गेंद नदीप सैनी की तरफ से स्ट्राइक पे पैट कमिंस, लेकिन पैट कमिंस को बैटिंग करना आता है, पैट कमिंस यहाँ पर बहुत ही शानदार शॉट खेल दिया, 4 रन मिलता हुआ पैट कमिंस को। चौथी गेंद स्ट्राइक पे कमिंस, कमिंस तो भाई पावर से शॉट लगा रहा है एंड गैप पे शॉट है उठा के मारा, 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर पैट कमिंस को। पहला गेंद जसप्रीत बुमराह की तरफ से, यहाँ पर भाई इनसाइड टच लगा, दोनों पैर के गैप से निकल गया 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। पांचवी गेंद स्ट्राइक पे है लबु शाने, ओ भाई जसप्रीत बुमराह तो भाई बहुत ही बढ़िया गेंद किया था, लेकिन यहाँ पर लबु शाने का आउटसाइड टच लगा एंड 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर चला गया। पांचवी गेंद मोहम्मद शमी की तरफ से फुल लेंथ डिलीवरी था, लबु शाने उठा के शॉट मारा गैप पे है, तो लबु शाने को यहाँ पर 4 रन मिलता हुआ। दूसरा गेंद स्ट्राइक पे लबु शाने 42 पे बैटिंग कर रहा है, यहाँ पर उठा के शॉट मारा, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन चौका तो नहीं मिलेगा, थ्रो यहाँ पर क्या डायरेक्ट हिट कर दिया, ओ तेरी, यहाँ पर आउट होता हुआ लबु शाने, तो लबु शाने यहाँ पर 43 रन बना के आउट हो गया एंड डायरेक्ट हिट किया था हार्दिक पांड्या। लास्ट गेंद है इस इनिंग्स का एंड यहाँ पर बोल्ट, ओ ऑफ स्टंप उड़ा दिया यहाँ पर मिचेल स्टार का, भाई क्या गेंदबाज है नदीप सैनी, तो असीम डिलीवरी था यहाँ पर, आउटसाइड डिस्क लगा एंड ऑफ स्टंप पूरा उखाड़ दिया, भाई बहुत सही गेंदबाज है यहाँ पर नदीप सैनी, 4 विकेट लिया भाई बहुत ही बढ़िया एंड मिचेल स्टार्क यहाँ पर सिर्फ 3 रन बना पाया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 337 रन बनाया, तो 338 रन का टारगेट है एंड ओपनिंग स्टार्ट तो बहुत सही मिला था ऑस्ट्रेलिया को, डेविड वार्नर एंड एरन फिंच दोनों ने बहुत ही खतरनाक बैटिंग किया, उसके बाद स्टीव स्मिथ भी चला, मार्कस टॉइनिस भी चला, लबु शाने भी चला एंड लास्ट पे पैट कमिंस भी चला एंड इंडिया का बॉलिंग सेक्शन पे सिर्फ नदीप सैनी को यहाँ पर 4 विकेट मिला एंड चहल को अभियासी 2 विकेट मिला। इंडिया की तरफ से बैटिंग करने आ रहा है शिखर धवन एंड उनके साथ मयंक अग्रवाल, तो एंड गेंदबाजी स्टार्ट करेगा मिचेल स्टार्क। पहला गेंद मिचेल स्टार्क का स्ट्राइक पे मयंक अग्रवाल, तो पहला गेंद यहाँ पर डिफेंस। चौथी गेंद स्टार्क का स्ट्राइक पे शिखर धवन, बहुत ही शानदार शॉट खेला, गैप पे भी शॉट खेला, फील्डर तो भाग रहा है लेकिन यहाँ पर 4 रन मिल देगा शिखर धवन को, बहुत ही शानदार टाइमिंग एंड बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट। लास्ट गेंद इस शोभर का एंड स्ट्राइक पे मयंक अग्रवाल, बैक फुट पे जाके बहुत ही शानदार पंच किया, मतलब काट शॉट खेला बैक फुट पे जाके, 4 रन मिलता हुआ मयंक अग्रवाल को यहाँ पर। लास्ट गेंद है मिचेल स्टार का, यहाँ पर स्ट्राइक पे मयंक अग्रवाल है, बहुत ही शानदार शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, यहाँ पर बहुत ही शानदार ड्राइव एंड 4 रन मिलता हुआ मयंक अग्रवाल को। अगर ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना है तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर विकेट लेना पड़ेगा। दूसरा गेंद एंड यहाँ पर वो भाई मयंक अग्रवाल यहाँ पर आउट होता हुआ, आउटसाइड डिच लगा एंड कीपर ने कोई भी गलती नहीं किया, कीपर ने यहाँ पर कैच कर लिया। मैंने बोला था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए विकेट चाहिए एंड विकेट तो ले लिया, अपील तो नहीं करना चाहिए, आउटसाइड एज लगा, कीपर ने गलती नहीं किया, बहुत ही खतरनाक स्पेल यहाँ पर पैट कमिंस के तरफ से एंड मयंक अग्रवाल यहाँ पर आउट होता हुआ 12 रन बना के। तीसरा गेंद स्ट्राइक पे विराट कोहली, बढ़िया शॉट, 4 रन मिलता हुआ, भाई कोहली पहली गेंद पे चौका मार दिया यहाँ पर, क्या शॉट लगाया। पांचवी गेंद स्ट्राइक पे है शिखर धवन, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग एंड 4 रन मिलता हुआ शिखर धवन को भी यहाँ पर। दूसरा गेंद स्ट्राइक पे शिखर धवन, यहाँ पर डिफेंस करने गया था लेकिन LBW का एपिल एंड अंपायर उंगली खड़ा कर दिया, तो यहाँ पर शिखर धवन का भी विकेट गिरता हुआ, शिखर धवन यहाँ पर 16 रन बना के LBW हो गया। पहला गेंद स्ट्राइक पे विराट कोहली, बहुत ही शानदार, ओ भाई क्या कवर ड्राइव, यहाँ पर विराट कोहली का क्लास यहाँ पर देखने को मिला है,
पहली गेंद पे चार रन मार के स्वागत किया है यहाँ पर पैट कमिंस का विराट कोहली। दूसरा गेंद पैट कमिंस के तरफ से एंड ओ ओ भाई क्या शॉट था, विराट कोहली यहाँ पर स्टेप आउट करके पॉइंट के ऊपर से 110 मीटर लंबा छक्का मार दिया। क्या शॉट है भाई, स्टेप आउट क्या, अलग गेंद मिचेल स्टार का बाउंसर गेंद था, विराट कोहली ने बैकफुट पे जाकर शॉट लगाया कैप पे है, तो यहाँ पर चार रन मिलता हुआ विराट कोहली को। ऑस्ट्रेलिया को अगर मैच जीतना है तो विराट कोहली को आउट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने मिचेल स्टार को स्टेप आउट करके बाउंड्री के बाहर भेज दिया। भाई क्या शॉट लगाया, लास्ट गेंद यहाँ पर पैट कमिंस का स्ट्राइक पे, कोहली ने शॉट लगा दिया गोली के तरह, एंड यहाँ पर गोली के तरह कोहली को चौका मिलेगा। पहला गेंद मिचेल स्टार का स्ट्राइक पे, श्रेयस अय्यर बहुत ही बढ़िया शॉट है यहाँ पर, गुड लेंथ पे गेंद था, स्ट्रेट पे कोई भी फील्डर नहीं था, भाई बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने गैप पे शॉट, चार रन मिलता हुआ श्रेयस अय्यर को। पहला गेंद पे ऑलरेडी चार रन आ चुका है, दूसरा गेंद सेम शॉट यहाँ पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला है। इंडिया का दो विकेट बहुत ही जल्दी गिर तो चुका है, लेकिन भाई जो दो बैट्समैन है वो रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहा है, बहुत ही हिटिंग कर रहा है। चौथी गेंद स्ट्राइक पे विराट कोहली क्यों भाई रोकेगा, वहां पर श्रेयस अय्यर ने दो गेंद पे दो बैक टू बैक चौका मार दिया, तो विराट कोहली थोड़ी रोकने वाला है अपने आप को। विराट कोहली भी यहाँ पर मिचेल स्टार्क को एक ऑफ साइड की दिशा में बहुत ही शानदार शॉट लगा दिया। दूसरा गेंद हेजलवुड के तरफ से बहुत बढ़िया बैकफुट पे जाके यहाँ पर पॉइंट की दिशा में शॉट खेला श्रेयस अय्यर ने, शॉट पे उतना पावर तो नहीं था लेकिन प्लेसमेंट एंड टाइमिंग बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए गैप पे था, तो चार रन निकल गया बाउंड्री के बाहर। यहाँ पर श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहा है, एंड ओ भाई क्या शॉट लगाया विराट कोहली, अपना क्लास दिखा दिया विराट कोहली ने, ज्यादा पावर से शॉट खेलने की कोशिश ही नहीं किया, शेप दिशा दिखा। पांचवी गेंद स्ट्राइक पे श्रेयस अय्यर 30 रन पे बैटिंग कर रहा है, यहाँ पर 30 रन पे बैटिंग कर रहा था एंड 34 पे पहुंच चुका है श्रेयस अय्यर, बहुत ही शानदार शॉट खेल दिया ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर था, पेस से मारा, पावर से मारा, कैप पे मारा चौका। पांचवी गेंद पैट कमिंस के तरफ से बाउंस था, वो भाई बाउंस था, बैडमिंटन वाला शॉट खेला यहाँ पर एंड गैप पे था, तो चार रन ऑब्वियसली मिलेगा, यहाँ पर चार रन मिलता हुआ फील्डर था, पकड़ नहीं पाया। तीसरा गेंद यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया गैप था वहां पर एक्स्ट्रा कवर के दिशा में, तो उसी दिशा में शॉट खेल दिया एंड चार रन मिलता हुआ यहाँ पर श्रेयस अय्यर को। लास्ट गेंद विराट कोहली 48 पे बैटिंग कर रहा है एंड यहाँ पर बहुत ही शानदार टाइमिंग, बाउंड्री तक पहुंच तो जाना चाहिए, फील्डर नहीं फील्डर ने पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पर दो रन तो मिल चुका है, मतलब विराट कोहली का 50 रन यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। फर्स्ट ओडीआई पे विराट कोहली ज्यादा रन नहीं बना पाया एंड इस वाली ओडीआई पे विराट कोहली ने 50 बना दिया। पहला गेंद एडम जैम्पा के तरफ से बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, डायरेक्ट हिट नहीं हुआ एंड इसी के साथ हमारा श्रेयस अय्यर भैया भी 50 रन कंप्लीट करता हुआ। इंडिया की तरफ से ये दो बैट्समैन बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पर विराट कोहली ने रिवर्स स्वीप शॉट खेला, वो चौका के लिए जाएगा नहीं, ये हो सकता है कभी, बहुत ही शानदार शॉट एंड चार रन विराट कोहली को मिलता हुआ यहाँ पर। पहला गेंद यहाँ पर पैट कमिंस की तरफ से, विराट कोहली भाई दमदार शॉट लगा दिया पैट कमिंस को एंड चार रन मिलता हुआ विराट कोहली को। पहला गेंद जॉस हेजलवुड के तरफ से, लेकिन 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 यहाँ पर किंग कोहली आउट हो चुका है, जॉस हेजलवुड का आउट स्विंगिंग गेंद था, विराट कोहली स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश भी किया था, आउट साइड एज लगा एंड एलेक्स कैरी ने कोई भी गलती यहां पर करा नहीं, विराट कोहली 66 रन बना के यहां पर आउट हो चुका है। तीसरा गेंद स्ट्राइक पे श्रेयस अय्यर, बाउंसर गेंद था, कैप पे शॉट खेला, बहुत ही शानदार शॉट, क्या ही शॉट लगा दिया एंड फील्डर भाग रहा है लेकिन पकड़ नहीं पाएगा, तो चार रन यहाँ पर श्रेयस अय्यर को मिलता हुआ। लास्ट गेंद था इस ओवर का स्ट्राइक पे, केएल राहुल यहाँ पर शॉट लगा दिया, गैप पे है तो यहाँ पर चार रन मिलता हुआ केएल राहुल को भी। दूसरा गेंद यहाँ पर पैट कमिंस की तरफ से फुल लेंथ डिलीवरी था, सिर्फ दिशा दिखाया, सिर्फ टाइमिंग किया श्रेयस अय्यर ने, फील्डर तो भाग रहा है लेकिन स्टीव स्मिथ पकड़ नहीं पाया है यहाँ पर। तीसरा गेंद 61 पे बैटिंग कर रहा था इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर और एक चार रन आता हुआ, फील्डर तो भाग रहा है लेकिन पकड़ नहीं पाया। अभी भी दो गेंद बाकी है, तो पांचवी गेंद इस बार थोड़ा सा पावर से मारा, थोड़ा सा जोर से मारा गेंद को बाउंड्री तक भेजने के लिए एंड ऑब्वियसली भेज भी दिया। स्ट्राइक पे केएल राहुल, पैट कमिंस का ओ भाई कैच कर लिया, तो यहाँ पर केएल राहुल का विकेट गिरता हुआ, पैट कमिंस का थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिला यहाँ पर पैट कमिंस को,
तो राहुल यहाँ पर 10 रन बना के आउट हो गया। स्ट्राइक पे हार्दिक पांड्या एंड यहाँ पर LBW का अपील हुआ है भाई। एडम सैंपा को शॉट खेलने गया था लेग साइड की दिशा में एंड शॉट नहीं खेल पाया एंड अंपायर ने भी आउट कर दिया है। तो इसी के साथ हार्दिक पांड्या का विकेट गिरता हुआ, हार्दिक पांड्या 14 रन बना के यहाँ पर LBW आउट हो गया। श्रेयस अय्यर 84 पे बैटिंग कर रहा है। तीसरा गेंद रिवर्स स्वीप शॉट खेला, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग एंड 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर श्रेयस अय्यर को। दूसरा गेंद रविंद्र जडेजा को भी बैटिंग आता है, यहाँ पर स्वीप शॉट बहुत ही शानदार खेला एंड 4 रन मिलता हुआ चड्डू को। पहला गेंद श्रेयस अय्यर 96 रन पे बैटिंग कर रहा है, आउट हो गया श्रेयस अय्यर। एडम सैंपा ने इस वाली गेंद पे रिवर्स स्वीप करने की कोशिश किया था श्रेयस अय्यर, लेकिन आई थिंक ग्लव्स पे लगा है, देखना पड़ेगा। तो हाँ भाई, ग्लव्स के नीचे हिस्से पे लगा है एंड कैरी ने कोई भी गलती नहीं किया, तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर आउट होता हुआ। श्रेयस अय्यर 96 बना के आउट हो गया, यहाँ पर 100 रन बना नहीं पाया अय्यर। इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर पे आ चुका है क्योंकि ऑलरेडी 6 विकेट गिर चुका है, लेकिन यहाँ पर जड्डू अभी भी खड़ा है। जड्डू ने यहाँ पर उठा के शॉट मारा है एंड 4 रन मिलता हुआ यहाँ पर जड्डू को। चौथी गेंद गेंदबाजी कर रहा है मैक्सवेल को यहाँ पर स्वीप शॉट मार दिया जडेजा ने एंड 4 रन भी मिलेगा यहाँ पर, बहुत ही शानदार शॉट। लाबुसाने का पहला गेंद स्ट्राइक पे साइनी एंड यहाँ पर आउट, इनसाइड एज लगा, कीपर ने गलती नहीं किया, तो ऑब्वियसली भाई इजी सा कैच था एंड यहाँ पर लाबुसाने को भी मिल चुका है 1 विकेट एंड साइनी यहाँ पर आउट होता हुआ। साइनी यहाँ पर 13 रन बना के आउट हो चुका है। 70 गेंद पे 70 रन चाहिए इंडिया को मैच जीतने के लिए एंड यहाँ पर बहुत ही शानदार रिवर्सिप रविंद्र जडेजा की तरफ से एंड सिर्फ 3 विकेट चाहिए ऑस्ट्रेलिया को ये वाला मैच जीतने के लिए। लास्ट गेंद इस ओवर का स्ट्राइक पे जड्डू, ओ भाई जड्डू ने फिर से एक रिवर्सिप शॉट खेल दिया एंड गैप पे है, तो यहाँ पर 4 रन मिलेगा रविंद्र जड्डू को, मतलब जडेजा को। 54 रन चाहिए अभी भी एंड यहाँ पर उठा के शॉट मारा है मोहम्मद शमी, नीचे फील्ड तो है लेकिन अबे यार इस टाइम पे कौन कैच ड्रॉप करता है वो भाई पहले बता। पहला गेंद मैक्सवेल की तरफ से फुल टॉस था, स्विफ्ट शॉट खेला जडेजा ने एंड यहाँ पर गैप पे है, तो 4 रन मिलेगा रविंद्र जडेजा को। अभी भी 48 रन चाहिए एंड दूसरा गेंद उठा के शॉट मारा है जडेजा ने, लेकिन उधर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर 1 बाउंस 4 रन मिलता हुआ। जडेजा यहाँ पर 40 रन पे बैटिंग कर रहा है एंड चौथी गेंद पे भी उठा के शॉट लगाया, लेकिन उधर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, तो रिलैक्स है जडेजा एंड यहाँ पर जडेजा को 4 रन भी मिल चुका है। इस ओवर में 4 गेंद पे ऑलरेडी 3 चौका आ चुका है एंड अभी भी 2 गेंद बाकी है एंड शॉट तो लगा दिया, तो ये वाला गेंद भी बाउंड्री के बाहर आई थिंक पहुंच जाएगा। फील्डर तो भाग रहा है लेकिन यहाँ पर पकड़ नहीं पाया, तो 5 गेंद पे ऑलरेडी 4 चौका मार चुका है रविंद्र जडेजा ने ग्लेन मैक्सवेल को। इस ओवर से ऑलरेडी 4 चौका आ चुका है एंड लास्ट गेंद पे भी शॉट लगा दिया, ये भी डेफिनेटली चौका जाएगा, तो इस ओवर में आया टोटल 5 चौका। भाई मैच का रूप ही बदल दिया यहाँ पर मैक्सवेल ने एंड इसी के साथ रविंद्र जडेजा का 50 रन भी हो चुका है, 52 नॉट आउट, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। लास्ट गेंद है इस ओवर का एंड लास्ट गेंद पे भी यहाँ पर शॉट खेला उठा के एंड अबे यार पोनीटेल वाला, मतलब जैंपा ने यहाँ पर कैच मिस कर दिया। पहला गेंद जॉस हेजलवुड के तरफ से उठा के शॉट मारा यहाँ पर मोहम्मद शमी ने, ओ भाई इस बार मैं नहीं बोलूंगा कैच ड्रॉप हुआ है, क्योंकि इस बार ट्राई बहुत ही बढ़िया किया था स्टीव स्मिथ ने भाई, ये तो कैच भाई अगर हो जाता ना भाई मजा आ जाता, क्या कैच होता, लेकिन बहुत ही शानदार ट्राई किया था वो, तो इजी वाला कैच ड्रॉप कर दिया पिछले जैम्पा ने, लेकिन इस बार भाई बहुत ही शानदार कोशिश। सिर्फ 8 रन चाहिए 31 गेंद पे एंड लास्ट गेंद थोड़ा सा रूम बनाया, हटा एंड गैप पे खेल दिया एंड 4 रन आ गया। मैच जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए एंड यहाँ पर उठा के शॉट मारा है मोहम्मद शमी ने, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप नहीं हुआ, शमी ने 13 रन बना के यहाँ पर आउट हो गया। 5वीं गेंद स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा 70 रन पे बैटिंग कर रहा है, यहाँ पर बहुत ही शानदार शॉट कट शॉट खेला है गैप पे है, तो बाउंड्री तक तो पहुंच गया एंड 4 रन मिलता हुआ एंड इसी के साथ इंडिया इस वाली मैच को भी अपने नाम किया 2 विकेट से। तो यहाँ पर देख लो चाहल एंड जडेजा सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिया इस वाले मैच को 2 विकेट से अपने नाम किया। प्लेयर ऑफ द मैच हुआ नदीप सैनी, वो तो होना ही चाहिए, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी किया था नदीप सैनी ने, 4 विकेट लिया। इंडिया का जो इनिंग संभाला था वो था श्रेयस अय्यर एंड विराट कोहली, दोनों बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला बटन भी प्रेस कर देना, क्योंकि 3rd ODI भी आने वाला है बहुत जल्द। तो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।